नमस्कार, मैं जहांगीर आलम। आप देख रहे हैं कोलफील मिरर, हर पल आपके साथ। नमस्कार। आसनसोल लोकसभा में शानदार कामयाबी के बाद अब बीजेपी की निगाह टिकी हुई है आसनसोल कॉरपोरेशन में और वो लोग ये चाह रहे हैं कि इस बार बीजेपी का मेयर हो। आज हमारे दरमियान कुलटी मंडल 3 के प्रेसिडेंट अमित गुरा है, जिनके अंदर में 11 वार्ड आती है। आइए उनसे बात करते हैं कि इलेक्शन को लेकर वो किस किस्म की तैयारी कर रहे हैं। सर, सबसे पहले आप लोग जो शानदार जीत हासिल किए उसके लिए हम लोग कॉन्ग्रेचुलेट करते हैं अपने चैनल की तरफ से। ये कैसा लगा जीत के आप लोग को? देखिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को भी। कोई भी जीत अच्छा लगता है, और वो भी लड़ाई करने के बाद जीत, और इतना शानदार जीत जो आम आदमी का आशीर्वाद, आसनसोल वासी का आशीर्वाद से हम लोगों को मिला, तो बहुत खुश हैं हम लोग। और आसनसोल वासी जितना है, जो हम लोगों को करीब करीब 2 लाख वोट से जीता है, सबको हम एकदम हार्दिक अभिनंदन, मेरा प्रणाम। आप लोग सोचे थे कि इतनी वोट से जीतेंगे? देखिए, सोच तो 100% हम लोग कॉन्फिडेंट थे कि इतना वोट से हम लोग जीतेंगे, क्योंकि चारों तरफ टीएमसी का जो गुंडागर्दी, जो उन लोगों का ये जो काटपानी का इशू अभी चल रहा, अब पाड़ा पाड़ा में जाइए, गली गली में जाइए, एक टीएमसी नेता एक वो 12 हज़ार रुपया सिर्फ बाथरूम के लिए आता है, उसमें भी लोग 3-4 हज़ार रुपया मार देता है। बोलिए, गरीब का बाथरूम 12 हज़ार में क्या बनेगा? जो बनेगा 12 हज़ार में मोटा मोटी बन जाएगा, लेकिन उसमें भी काटमानी खाया जा रहा है। तो आदमी जितना था, आम आदमी, गरीब पब्लिक जो था, पूरा एकदम क्या बोलते, त्रस्त था एकदम इन लोगों से। नहीं, हम लोगों ने देखा इस बार इलेक्शन में तमाम कम्युनिटी आप लोगों ने वोट दिया, इसका क्या वजह था? देखिए, धर्म अपना जगह है, लेकिन सब तो है इंसान। हमको मेरा साधारण जीवन यापन करने के लिए जो जो चीज़ का जरूरत है, मेरा कोई दूसरा साथी दूसरा धर्म का जो है, उसको भी सेम चीज़ चाहिए सुबह से शाम तक जीवन धारण के लिए। तो ये सब जो सामान्य सुख सुविधा है, शिक्षा हो गया, स्वास्थ्य हो गया, अपना लड़का बच्चे को अच्छे से परवरिश देना, ये सब चीज़ तो हर किसी को जरूरत है। तो नरेंद्र मोदी जी पर सब कम्युनिटी ने भरोसा रखा, और सब कम्युनिटी इतना माने ढालाव आशीर्वाद दिया हम लोगों को। आप लोग तो जीत गए, जीतने के बाद आप लोगों ने अब तक क्या काम किया, देखिए स्पेशली कुल्टी एरिया में? देखिए, हाँ, कुलटी एरिया का हम बात कर रहे हैं, करीब करीब 1 महीना हुआ बाबुलदा मंत्री हुआ, तो 1 महीने के अंदर बाबुलदा सिर्फ कुलटी के लिए लगभग 35 लाख रुपया दिया है, कुलटी का डेवलपमेंट काम के लिए लगभग 35 लाख। ये एकदम सोचने वाला बात है कि बाबुलदा के अंदर काम करने का कितना इच्छा है। 1 महीना अभी तक नहीं हुआ, लेकिन 35 लाख बाबुलदा दे दिया। वो कहाँ का फंड दिए? वो अपना एमपीलैड का फंड दिया, उसमें हम लोगों बराकर में एगो हाईमास लाइट बनेगा, बराकर बस स्टैंड बनेगा, कुलटी का सन्यासी तालाब में एगो हम लोगों का बस स्टैंड बनेगा, बहुत पुराने एगो बर्निंग घाट है हम लोगों का, मानिकेश्वर 99 वार्ड में पड़ता है, वहाँ हाईमास लाइट दे रहा, पटमोना का रोड बनेगा वहाँ दे रहा है 9 लाख रुपया, 5 लाख रुपया दे रहा, नियामतपुर में बस स्टैंड बनेगा उसके लिए। तो ये सब चीज़ दर्शाता है कि एक एमपी में काम करने का कितना इच्छा है, कि 1 महीना भी नहीं हुआ 35 लाख दिया काम करने वो के तो लिए। ठीक है, लेकिन हम लोग जब बाबुलदा का प्रीवियस टेनर देखते हैं तो उनका एक इल्जाम था कि हम काम करना चाहते हैं, लेकिन राज्य सरकार हमको काम करने नहीं देती है। तो क्या लगता है इस बार आप लोग काम कर पाओगे? देखिए, उम्मीद तो है डेवलपमेंट का जो काम रहेगा इसमें सब पार्टी एक होकर काम करेगी, क्योंकि एरिया का डेवलपमेंट होगा, और अगर नहीं है फिर भी काम होगा, क्योंकि हम लोग आम आदमी का आशीर्वाद लेके बाबुलदा को एमपी बना के दिल्ली भेजे हैं, और ये जो पैसा बाबुलदा दिल्ली से ला रहा है ये आम आदमी के लिए ही है। तो हम लोग आम आदमी को लेकर ही ये सब काम इस बार सक्सेस करेंगे, ये हम लोग का पूरा उम्मीद है। अब क्या लगता है कि आसनसोल म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का जो मेयर साहब है वो बीजेपी का होंगे? 100% इस बार बीजेपी का होगा, 100%। माने 106 वार्ड में आप लोग कितना जीतने जा रहे हो? मेजोरिटी हम लोगों का रहेगा, 106 में मेजोरिटी हम लोगों का रहेगा, और हम लोग अपना बीजेपी का वहां झंडा लहराएंगे, और बीजेपी का ही मेयर देंगे इस बार हम लोग। आप तो कुलटी मंडल 3 के प्रेसिडेंट हो, आपका अंडर में 11 वार्ड आ रहा है, उसमें क्या लगता है कितने सीट दे पाओगे? मेरा अंडर में 11 वार्ड आता है ये नियामतपुर क्षेत्रों में, अभी सब रिकॉर्ड करके रखिए, 11 में 11 वार्ड आपको हम देंगे बीजेपी की तरफ से, 11 में 11 वार्ड देंगे, ऐसा ही संगठन हम लोगों का बन रहा है। और सबसे बड़ा बात है, संगठन तो है लेकिन आम आदमी का जो चाहत है बीजेपी का तरफ, आम आदमी का जो रुझान है बीजेपी का तरफ, ये एकदम देखने लायक है। बीजेपी को वोट देने के लिए आदमी आदमी लोग एकदम मन बना लिया है, एकदम बैठा हुआ कि वोट हम लोग देंगे। बराकर बस स्टैंड में हमारा डांस एकेडमी है, जहाँ पर डांस, सिंगिंग, मॉडलिंग सिखाया जाता है। ये एक योगा दिवस पर हमारा महिलाओं के लिए योगा सुविधा की गई है। हमारा यहाँ एडमिशन फ्री है, जिन्हें भी करना है, इंटरेस्टेड है, वो संपर्क करें।
और यहाँ ब्यूटिशियन भी सिखाया जाता है, और नीचे दिया हुआ नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं। हालिया दिनों में मैंने हम लोग देखा ना कि वेस्ट बंगाल के जो सीएम उनका एक बयान आए थे कि बीजेपी जो कचरा है उसको बटोर रही, माने जितने टीएमसी के लोग बीजेपी में जा रहे हैं वो सब कचरा हो गए, इसके बारे में क्या कहिएगा? देखिए सीएम का इस भावना से हमको तो दया आता है। अब टीएमसी का कचरा ले रहे हैं ना, टीएमसी का डायमंड हम लोग ले रहे हैं, वो तो दीदी को पता चल रहा है। टीएमसी का जो आदमी आया सबको जीता के हम लोग एमपी भेज दिए, और दीदी का जो बच गया वो लोग बेचारी हर के अपना घर में बैठ गया, तब कौन कचरा और कौन डायमंड ही तब लोग जान रहे हैं। आप जिस क्षेत्र में वहाँ पे हम लोग कुछ लोकल नेता को देखें कि वो कुछ दिन पहले टीएमसी में थे उसके बाद फिर चले अभी आ गए बीजेपी में, उसके बारे में क्या कहना है? देखिए ये सब नेता से बीजेपी एकदम सख्त दूरी बना के रखा हुआ है। बीजेपी का गाइडलाइन है ये सब नेता जो बीजेपी से गद्दारी करके चल गया है, अभी सुजोग लेने के लिए सुविधा लेने के लिए बीजेपी में आ रहा है, इन लोगों से दूरी एकदम बना के रखना है। और इन लोगों को अगर बीजेपी पे लेना है तो एकदम लोकल स्तर में इन लोगों को प्रेयर करना पड़ेगा। कोई ऐसा नहीं होगा कि दिल्ली में जाके ज्वाइन कर लिया, कलकत्ता में जाके ज्वाइन कर लिया, ये गाइडलाइन नहीं है हम लोगों का। आपने कहा कि दूरी बनाना है, तो उन लोगों को तो हम तो देखते हैं बीजेपी का पार्टी उसमें बैठते हैं प्रोग्राम करते हैं, दूरी कैसे बनाएगी? देखिए प्रोग्राम नहीं करता है ये, आप लोग एकदम देख लीजिएगा बीजेपी पार्टी ऑफिस, देखिए ये सब पार्टी ऑफिस से कोई जाके कहीं बैठेगा वो अलग चीज है, लेकिन आप देखिएगा उसको कोई पोर्टफोलियो, कोई पदाधिकारी बीजेपी बना दिया कि नहीं, कोई मीटिंग में अहम मीटिंग में वो है कि नहीं, कोई माने दर्जा उसको दे रहा बीजेपी की नहीं, अहमियत दे रहा है कि नहीं, वो एक सपोर्टर बन के रह जाएगा वो अलग बात है, उसका बात है, लेकिन बीजेपी अगर पोर्टफोलियो उसको दे देगा तब आप हमको बोलिए। तो ऐसे लोग हैं वो पार्टी के लिए आ रहे हैं ना अपना इनकम के लिए आ रहे ना? एकदम वो लोग पार्टी को अगर प्यार करता है तो पार्टी का बुरा वक्त में लोग छोड़ के नहीं चल जाता, ये लोग अपना इनकम के लिए आ रहा है, अपना फायदे के लिए आ रहा है। ये लोग बहुत ऐसे असामाजिक तत्व है जो बीजेपी को बदनाम करने के लिए आ रहा है, जो गाय गोरू का पैसा खाता है, जो और अलग अलग जगह से खराब जगह से पैसा उठाता है, ये बीजेपी को खराब करने के लिए आ रहा है। लेकिन हम लोग भी देशभक्त, हम लोग भी सैनिक है भारतीय जनता पार्टी का, हम लोग इन लोगों का जो मंसूबा है ये पूरा होने नहीं देंगे। एज ए प्रेसिडेंट पॉलिटिकल ब्लॉक 3 के, इन लोगों से पार्टी को बचाने के लिए आपका क्या स्टेप है? एकदम स्टेप देखिए जो कार्रवाई हम लोगों का है, पहले इन लोगों को तो पार्टी का कोई भी अहम मीटिंग हो, कोई भी अहम पदाधिकारी इन लोगों को बनने नहीं दिया जाएगा, वो लोग जैसा है वैसा है, पहला बात। दूसरा बात, ये लोग जो इलीगल धंधा कर रहा पार्टी का नाम लेके, इन लोगों को हम आपका जरिए प्रशासन को भी हम बोलना चाह रहे हैं आपका जरिए कि ये लोग जो कर रहा है इस पर आप सख्त से सख्त कार्रवाई लीजिए, इन लोगों के संग बीजेपी का कोई रिलेशन नहीं है, इन लोगों अपना जिम्मेवारी से कर रहा, और प्रशासन आप अपना रोल निभाइए, इन लोगों के ऊपर सख्त कार्रवाई करिए। हम लोग देख रहे हैं कुल्टी में और बंगाल में आपका परिवार बढ़ रहा है, आने वाला दिनों में आपके पास एक चैलेंजेस होगी टिकट बांटने का वक्त, हर वार्ड से हमको लगता है 4 या 5 कैंडिडेट उम्मीदवार होगा, इससे कैसे निपट पाओगे? देखिए ये एकदम सिंपल थ्योरी है, 4, 5 हो, 50 हो, इसका मतलब क्या है, बीजेपी को चाहने वाले आदमी बढ़ रहा है, तो लेकिन 50 उसमें एप्लीकेशन करेगा 50 को तो टिकट नहीं मिलेगा, उनमें से जो बेटर द बेस्ट होगा, एकदम जो बेस्ट होगा उसी को पार्टी टिकट देगा और वो जीत के लाएगा उस सीट। उसके लिए कुछ क्राइटेरिया आप लोग का 100% सिस्टम है। देखिए सर्व पहले तो भाजपा का कार्यकर्ता होना चाहिए, अगर कार्यकर्ता नहीं भी हो तो समाज का उच्च स्तरीय, जैसे शिक्षा व्यवस्था हो गया, कोई टीचर हो गया, कोई डॉक्टर हो गया, कोई वकील हो गया, जो समाज का प्रतिष्ठित एस्टैब्लिश्ड जो आदमी है उन लोगों को अगर लाया जाए जिसमें जिसको समाज में सम्मान है, उस आदमी को टिकट मिलेगा, कोई बात नहीं। बीजेपी पार्टी को जो डिसिप्लिन कायम रहे उसके लिए क्या कहना चाहेंगे? देखिए बीजेपी का एगो संविधान है, अभी नया नया लड़का जुड़ रहा है जिसको बीजेपी का संविधान का बारे में कुछ पता नहीं है, हम लोगों का भी क्लास चालू हो रहा है पार्टी का तरफ से, तो ये सब ठीक हो जाएगा। अच्छा, हम लोगों ने देखा कि अभी एक माने सुनामी सी आ गई है, रोज हम लोग सुन रहे कोई ना कोई नेता आपका टीएमसी छोड़कर या आदर पार्टी छोड़कर बीजेपी में आ रहे हैं, तो क्या लगता है आप लोगों ने क्या किया जो इतने लोग सब बीजेपी से जुड़ रहे हैं? देखिए मेरा माननीय प्रधानमंत्री जी का एक ही कहना है, सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास, सब जान गया है अगर डेवलपमेंट करना है तो भाजपा में आना है, पहला बात। दूसरा बात, आसानसोल का हम बात कर रहे हैं, आसानसोल में जो जितना आपका MIC हो, जितना काउंसिलर हो, जितना सब जा रहा है, ये लोग जमीन से हट गया है, लोग सुबह काम है काला चश्मा पहन लो, AC गाड़ी में बैठ जाओ, कॉरपोरेशन पहुँच जाना और 2 बजे वापस आ जाना, ये लोग गाड़ी में घूम रहा है जमीन में नहीं है, मतलब पब्लिक से ये लोग अटैच नहीं ना, एकदम नहीं, काला चश्मा पहना हुआ है, गरीब का दुख दर्द इन लोगों को दिख ही नहीं रहा, अगर दिखता
तो ये जो रेशनिंग व्यवस्था है इतना अभी गड़बड़ी चल रहा, वृद्धा पेंशन, आपका विधवा पेंशन, ये सब में कहाँ ही लोग कुछ कर रहा, ना अपने MIC का मीटिंग कर रहा है, ना कॉर्पोरेशन का मीटिंग हो रहा है कुछ, ना ये सब में ध्यान दे रहा है। अच्छा, आप तो बड़े बड़े दावा कर रहे हैं, अगर आपकी वोट बन जाती है आने वाले दिनों में तो आप लोग क्या करोगे आसनसोल कॉर्पोरेशन में? एकदम मेरा दावा एकदम रंग लाएगा 100%। हम लोग जो ये लोगों का नाकामी है, जो पहला बेसिक चीज है, वृद्धा पेंशन हो गया, विधवा पेंशन हो गया, रेशनिंग व्यवस्था, जो 2 किलो का चावल जिसको मिलना था उसको नहीं मिल रहा, जिसका घर में नौकरी है ATM से कहने था उसको घर में दे रहा है ये चावल, तो ये सब चीज में हम लोग 100% करेंगे। रोड, रास्ता, और सबसे मेन चीज है जो हम लोगों का अभी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल बना दिया आसनसोल को, अब जाके देखिएगा सुपर स्पेशलिटी बिल्डिंग बन गया, ना डॉक्टर है ना उसमें इंस्ट्रूमेंट है, ये सब चीज में हम लोग एकदम गौर करेंगे। नहीं, इस कॉर्पोरेशन में हम लोग देखा कि ऑपोजिशन का इल्जाम है कि MIC मीटिंग नहीं होता है, एक नंबर बात। दूसरा नंबर बात है कि बोर्ड मीटिंग अगर होता है तो 5 से 7 मिनट में बोर्ड मीटिंग खत्म हो जाता है, उन लोगों को डिस्कस करने का मौका नहीं मिलता। इस बारे में क्या राय है? इस बारे में उन लोगों का नेता में आपस में ही तालमेल नहीं है, आपस में पहले लड़ ले उसके बाद मीटिंग करेंगे, आपस में ही लड़ रहा सब हर वक्त आसनसोल डेवलपमेंट के लिए क्या सोचेगा ये लोग। तो आप लोग जब बोर्ड बनाओगे कॉर्पोरेशन में तो सबसे पहला काम आप लोग क्या करोगे? सबसे पहले हम लोग गरीब के लिए जो मेन है विधवा पेंशन, वृद्धा पेंशन, आवास योजना, घर, हाँ आवास योजना, उसके बाद ये जो लेटरिन टॉयलेट का आ रहा है, रेशनिंग व्यवस्था, ये सब में हम लोग एकदम पूरा ध्यान देंगे। ठीक है, चलते चलते सर आखिर आपसे ये क्वेश्चन है कि जो जिन लोगों ने आपको वोट दिया उसके लिए क्या क्या कहोगे? देखिए, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद हम लोगों का तरफ से, एकदम मेरा मन का एकदम अंतर से उन लोगों को प्रणाम। और आप लोग भरोसा जैसे दिए BJP को दिए हैं, आप लोग भरोसा रख सकते हैं, आप लोग जिस के लिए BJP को लाए हम लोग उस काम में खड़े उतरेंगे। आपने हमारे चैनल से बात की उसके लिए थैंक यू। आप लोगों को भी बहुत बहुत धन्यवाद।